अब रुक पर पाई हो? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? इन पांच भयानक वीडियोस को देखकर आज आप जानेंगे डर का असली मतलब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस पहली वीडियो में एक शख्स अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर देख रहा था, जब उसने कुछ बड़ा ही परेशान कर देने वाला नोटिस किया। उसकी बिल्डिंग के अक्रॉस मैनिकन्स एक स्टोर के बाहर कतार में रखी हुई हैं, जिनमें से एक पुतला कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे वीडियो फिल्मा रहा व्यक्ति बुरी तरह सहम जाता है। डरावने मैनिकन की ओर जूम करने पर उसकी डार्क लाइफलेस आंखें अचानक से व्यक्ति की तरफ देखकर ब्लिंक करती हैं। किसी डरावने फिल्म सीन जैसी घटना एक्सपीरियंस करने के बाद व्यक्ति के पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचते। अब ये इंसिडेंट रियल है या एडिटिंग का कमाल, इसके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मगर ऐसा कुछ विटनेस करना ही समझदार व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। यूरोप से आई ये अगली 10 साल पुरानी वीडियो आज भी एक पहेली बनी हुई है। कहानी के मुताबिक वीडियो को कुछ फॉरेन टूरिस्ट द्वारा फिल्माया गया था जब वे एक ग्रीक मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे थे, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने किस भयानक चीज को कैद कर लिया है। एक आकृति जिसने मानो लंबे काले कपड़े पहन रखे हो गलियारे में कुछ देर के लिए अपीयर होती है और फिर जैसे हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। रिकॉर्डर को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने किस घटना को कैद कर लिया है, और इसके बारे में तो उन्हें फुटेज वापस रिव्यू करने पर ही पता चला। सेंट फ्रांसिसविल लुइजियाना स्थित मर्टल्स प्लांटेशन हाउस अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। 1796 में बना मर्टल्स प्लांटेशन कहा जाता है कि प्राचीन तुनीका इंडियन कब्रिस्तान को हटाकर बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन के महज 37 साल के भीतर ही 10 मर्डर्स यहाँ रिपोर्ट किए गए, और आज माना जाता है कि इस घर में कुल 12 आत्माएं वास करती हैं। फेमस यूट्यूबर सैम एंड कोलबी जब यहाँ अपनी दोस्त अमेंडा के साथ रात बिताने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 1992 में इसके आखिरी रहे मालिक ने एक शैडो फिगर को घर के बाहर मंडराते हुए फोटो में कैद किया है। In 1992, the current owner took a picture of the side of the house and caught one of the clearest images ever of a shadow figure. And just for further proof, they sent this picture off to National Geographic to get it authenticated. And this proved that the photo had not been tampered with. पहले भी इस घर से भूतहा एपारिशन देखे जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं, और आज शायद सैम और कोलबी ने भी ऐसे ही किसी साए को अपने टूर के दौरान भटकते हुए कैद कर लिया है। Amanda, how do you feel in here? I can't breathe. It feels really? Like somebody is hugging me so tight that like I can't open my lungs. क्या आपने देखा? अमेंडा जब अपना एक्सपीरियंस बता रही थी तो उनके पीछे लगे शीशे में हमें एक साया तेजी से गुजरता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि चारों में से किसी ने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही वीडियो में कहीं पर इसका जिक्र किया, तो एज्यूम करा जा सकता है कि वे बिल्कुल भी इस पर गौर नहीं कर पाए। वैसे आपकी इस घटना पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैट ह्यूमन्सविल मिजोरी में आए दिन भूतहा जगहों की जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके एक सब्सक्राइबर माइकल ने खुद सामने से उन्हें एक ऐसी वीडियो भेजी जो काफी ज्यादा दिलचस्प थी। सेंडर ने मैट को बताया कि वे टाउन के एक डॉलर जनरल स्टोर में काम करते हैं,
रात में अपनी शिफ्ट के दौरान वे कई दफा स्ट्रेंज एक्टिविटीज जैसे बिल्डिंग के बैक डोर्स का खुलना बंद होना, सामान का शेल्फ से अपने आप ही गिरना और एक रहस्यमय आकृति के देखे जाने का अनुभव कर चुके हैं। हाल ही में जब माइकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेजेस रिव्यू कर रहे थे तो एक ऑफिस में लगे कैमरा में उन्होंने कुछ बड़ा बिजार नोटिस कर लिया। एक फुल बॉडीड अपैरिशन कोहरे की तरह एक कोने से उजागर होती है और कमरे के दूसरे कॉर्नर में ऐसे डिसअपियर हो जाती है जैसे वो दीवार में से आर पार हो गई हो। माइकल ने बताया कि स्टोर एक वाटर टावर को तोड़कर बनाया गया था क्योंकि बहुत से लोग इस पर से कूदकर सुसाइड करने लगे थे। भारत से आई एक और सीसीटीवी वीडियो में हमें एक घर का गलियारा नजर आ रहा है जहां कुछ ही सेकंड्स बाद एक बड़ा अजीबोगरीब हादसा घटित होने वाला था। घर की लाइट पहले तो हल्की हल्की फ्लिकर करती है और फिर एक बच्चे के आकार की अपैरिशन कमरे से निकलकर दाईं तरफ चलते हुए गायब हो जाती है। वीडियो का ओरिजिनल सोर्स अननोन होने के कारण इस पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाना पूरी तरह इम्पॉसिबल है, मगर मैं फिर भी आपकी ओपिनियन इस पर जानना जरूर पसंद करूंगा। ये अगली टेरिफाइंग क्लिप यकीनन आपको साबित कर देगी कि जो हमें अपनी आंखों से नजर आता है शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं। बुएनोस आयरस अर्जेंटीना से आई इस वीडियो में एक हॉस्पिटल कर्मचारी काउंटर पर बैठा अपनी ड्यूटी कर रहा था जब उसने देखा कि दरवाजे पर कोई शख्स उसे बुला रहा है। कर्मचारी रजिस्टर लेकर उसका नाम दर्ज करने उसके पास पहुंचा और बाद में उसने उसे हॉस्पिटल में एंट्री दे दी। अब यहाँ तक कहानी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कर्मचारी को जो व्यक्ति नजर आया वो असल में उस जगह था ही नहीं तो? कर्मचारी ने बताया कि वे हाल ही में डिस्चार्ज हुए एक बुजुर्ग पेशेंट से बात कर रहे थे। मरीज काफी चिंता में था और बार बार शिकायत करते हुए कह रहा था कि बीमारी का सही इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। पहले तो एम्प्लॉई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद जब उसे खबर मिली कि बूढ़ा मरीज तो डिस्चार्ज होने के कुछ घंटों बाद ही गुजर गया था तो उसने वापस से सीसीटीवी फुटेज पर नजर मारी और इंडीड वहां उसके अलावा और कोई भी नहीं था। ऑस्ट्रेलियन रेडिट यूजर हैजबिन 42 ने लिखा कि उनके दोस्तों ने एक स्किन वॉकर को तब कथित तौर पर जंगल में कैद कर लिया जब वे रात के समय हाइकिंग पर निकले हुए थे। दोस्तों को कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने आखिर क्या कैद किया और हैजबिन ने रेडिट पर वीडियो इसीलिए डाली ताकि वे इस क्रीचर का असली राज पता लगा सकें। तो क्या ये रियलिटी में एक ऑस्ट्रेलियन स्किन वॉकर है या कोई एलियन जैसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। रोजविल कैलिफोर्निया से निक पेरी दावा करते हैं कि 2 साल पहले जब वे डायर्स लेन नामक एक हॉन्टेड रोड पर ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें एक काली परछाई नुमा फिगर का सामना करना पड़ा था। निक मानते हैं कि ये साया उनसे अटैच होकर उनके घर तक आ पहुंचा है। यही वजह है कि उन्हें खौफनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही हैं।
पिछले कुछ महीनों से गतिविधियां इतनी तीव्र हो चुकी हैं कि मजबूरन निक को सब कुछ रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड करना पड़ रहा है। किसी देर रात निक को परेशान कर देने वाला शोर सुनाई देने लगा और अपना कैमरा लेकर जो उन्होंने उसके बाद कैप्चर किया वो बेहद ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। हालांकि एक्टिविटीज यहीं तक ही सीमित नहीं थीं। एक शाम जब निक अपनी बिल्ली की वीडियो बना रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा कैद हो गया जो सचमुच रूह कंपा देने वाला था। Meow. What? What are you going in there? This is f***ing random. निक को जोरदार धमाका सुनाई दिया और जब वे बाथरूम से बाहर निकलने लगे तो एक छोटी काली आकृति बाथटब के कोने में खड़ी हुई कैद हो गई। इस खून जमा देने वाले इंसिडेंट के बाद निक दृढ़ हो गए कि वे इस साए को फिर से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने घर में कई जगहों पर कैमरा सेटअप कर दिए और एक शाम जब वे काम से वापिस लौटे तो उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ा। कोई व्यक्ति या कोई चीज लिविंग रूम में मंडराती हुई दिखती है लेकिन घर पर उस समय कोई भी नहीं था। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या चल रहा है? क्या 2 साल पहले निक को दिखी ये वो ही एंटिटी है या उससे भी ज्यादा भयानक कुछ और? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले वीडियो में आज का सीक्रेट इमोजी टाइम स्टैम्प के साथ सबसे पहले जरूर ढूंढ लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक आदमी अपने घर पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था कि अचानक से उसे कमरे के दरवाजे का नॉब तेजी से हलचल करता हुआ नजर आने लगा। घबराहट में उसने कैमरा निकालकर जब पास जाने की कोशिश की तो चीजों ने एक टेरिफाइंग मोड़ ले लिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए उस भयभीत कर देने वाली घटना को, जब बाइक सवार का सामना एक बिना सिर की प्रेत आत्मा से हो गया। अब फिर जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ।